हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एडवेंट एडू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के सहयोग लगातार मिल रहा है, उससे हम काफ़ी अभिप्रेरित भी हैं। और आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 12 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट 12 में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पार्ट 11 में काफ़ी गहराई से विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हम लोग इस पार्ट में वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न तीव्रता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म में बता देना चाह रहे हैं कि आपकी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एक निकाय है जो कि विपरीत और समान प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। और ये समान और विपरीत प्रकार के आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। इस पूरी व्यवस्था को हम इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जब हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, चूंकि ये आवेशों से मिलकर बने होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी बिंदु पर किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी मात्रा में कुछ न कुछ तीव्रता जरूर उत्पन्न करते हैं। वो तीव्रता ये किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, कितनी मात्रा में उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर वो स्थितियाँ कौन सी हैं जिन पर हम द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न तीव्रता की गणना करेंगे। तो वो स्थितियां हैं दो प्रकार की। नंबर वन होती है अक्षीय स्थिति और नंबर टू होती है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन और निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आज हम लोग सबसे पहले अक्षीय स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर द्विध्रुव द्वारा कितनी मात्रा में तीव्रता उत्पन्न होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डायपोल लेते हैं। ये डायपोल है हमारा AB, यानी कि ये AB क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव दो प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, -Q और +Q आवेशों के द्वारा। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 2L, यानी कि A से B तक की जो दूरी है वो है 2L, और 2L बीच में केंद्र है यानी कि सेंटर O है। तो ये जो सेंटर जो कि बीचों बीच है, तो जाहिर सी बात है कि OA और OB ये दोनों डिस्टेंस, दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चूंकि A से B तक की दूरी को हमने 2L लिया हुआ है, तो ये दूरियां भी आधी आधी हो जाएंगी, यानी कि OA ये भी L होगी और OB इसकी भी दूरी स्मॉल L ही होगी। तो अब हम इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P ले रहे हैं। निरक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि जो द्विध्रुव की लंबाई है उसी लंबाई की दिशा में जो बिंदु, जितने भी बिंदु प्राप्त होते हैं, उन सब बिंदुओं को हम द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु कहते हैं। तो यहां पे हमने एक बिंदु P को ले लिया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी आवेश होते हैं उनके द्वारा एक वैद्युत बल लगता है, एक वैद्युत बल उत्पन्न होता है। तो -Q आवेश भी बिंदु P पर एक बल उत्पन्न करेगा। तो जब -Q आवेश इस पर एक बल उत्पन्न करेगा, तो जाहिर सी बात है उस पर तीव्रता भी उत्पन्न होगी। तो हम मान लेते हैं कि -Q आवेश के द्वारा जो तीव्रता उत्पन्न होने वाली है वो है E1, और तो हम क्या कर रहे हैं कि +Q के आवेश के द्वारा उत्पन्न तीव्रता को हम पहले लेंगे, क्योंकि +Q आवेश के द्वारा जो तीव्रता यहां उत्पन्न होगी उसको हम E1 मान ले रहे हैं, जिसकी दिशा किस तरफ होगी, BP की दिशा में होगी, यानी कि B से P की ओर इसकी दिशा होगी। और -Q क्योंकि ये भी एक आवेश है, ये आवेश भी बिंदु P पर एक बल उत्पन्न करेगा। जब बल उत्पन्न करेगा तो एक तीव्रता भी उत्पन्न होगी, और उस तीव्रता को हम मान ले रहे हैं E1 तो इसको माना है, इसको हम मान लेते हैं E2। ये E1 की दिशा P से बाहर की ओर को है और E2 की दिशा P से अंदर की ओर को है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिंदु B पर धन आवेश है, और इस धन आवेश +Q
के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है ईवन उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बल उत्पन्न होगा वह बल धन आवेश के दूर की ओर होता है, धन आवेश से दूर की ओर होता है, इसीलिए ये तीव्रता की दिशा भी, चूंकि बल की दिशा में ही तीव्रता की दिशा होती है, इसीलिए ईवन की दिशा भी बाहर की ओर को होगी। और चूंकि माइनस, चूंकि ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के द्वारा भी जो बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा ऋण आवेश की ओर होती है, तो इसलिए इस बल के द्वारा जो तीव्रता उत्पन्न होगी वह तीव्रता की दिशा भी माइनस क्यू आवेश की ओर को होगी। तो इसीलिए हमने ई वन को बाहर की ओर दिखाया है और ई टू को अंदर की ओर दिखाया है। अब जब ई वन ई टू को हमने मान लिया है तो इनकी वैल्यू को भी निकाल लिया जाए कि आखिर ई वन कितना होगा। तो देखिए ई वन की मात्रा E1 is equal to हो जाएगा आपका 1/4πε0। अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई माध्यम है, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ अगर रखा हुआ है, तो उस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हमने K मान लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे K भी लगा दिया है। अगर मान लीजिए इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, या फिर इनके बीच कोई वायु है या निर्वात है, तो उस समय हम k की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, और तब हम k की वैल्यू को 1 मानते हुए k को हम रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहां पे अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसलिए हमने k को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब 1/4πε0 अब किस आवेश के कारण यह उत्पन्न हुआ है, तो आवेश है e1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो e1 उत्पन्न हुआ है प्लस q के कारण, इसलिए यहां पे हम आवेश रखेंगे q और अपॉन दूरी का स्क्वायर करेंगे। तो दूरी क्या है, तो बिंदु P की B से दूरी है BP, ये इस प्रकार से, अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो q बाई BP स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से हम माइनस q के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 को भी कैलकुलेट करेंगे, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q by, अब P की दूरी A से लेंगे, यानी कि AP स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। ध्यान देने की बात यह है कि यहां पे हम आवेशों के केवल मान का प्रयोग कर रहे हैं, उनके चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए कि आखिर E1 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि माइनस का प्रयोग केवल दिशा बताने के लिए है, न कि परिमाण के लिए। इस माइनस का असर उसके परिमाण पर नहीं होगा, बल्कि उसकी दिशा पर होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लस माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनको केवल वैल्यू का ही यूज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास E1 की भी वैल्यू आ चुकी है, E2 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब अगली समस्या हमारे सामने ये है कि आखिर BP और AP कितना है, क्योंकि BP और AP की वैल्यू भी रखना जरूरी है। तो आइए पहले BP और AP की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि B से P तक की दूरी आपकी कितनी होगी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P सेंटर O से स्मॉल r की दूरी पर है, तो स्मॉल r की दूरी पर है, तो इसका मतलब कि O से P तक की दूरी हुई स्मॉल r, तो B से P तक की दूरी कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि OB की लंबाई स्मॉल l है, तो अगर हम r में से OB को, यानी कि l को माइनस कर दें, तो आता है हमारा R माइनस L। इसका मतलब कि O से P तक की जो दूरी है वो है R माइनस L, इसलिए हम BP की जगह ले सकते हैं R माइनस L। और AP क्या होगा, तो AP को ध्यान से देखिए, A से लेकर के P तक की दूरी, हम देख रहे हैं कि O से P तक की दूरी तो स्मॉल r है, लेकिन O से A तक की दूरी है स्मॉल l। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी वह R प्लस L, क्योंकि इतना हिस्सा L है, तो R प्लस L के बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू R प्लस L हो जाएगा। अब जब वैल्यू हमें मिल गई है, तो इस प्रकार से हमें E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q/BP की वैल्यू R माइनस L, तो R माइनस L होल स्क्वायर रखेंगे, और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 K इंटू Q/
एपी स्क्वायर, और एपी की वैल्यू कितनी मिली है आर प्लस एल, यहां हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे। तो इसलिए P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगी। E1 माइनस E2 क्यों हो जाएगी, इसलिए कि E1 जो है ये बाहर की ओर है और E2 अंदर की ओर है। E1 इस धनावेश के कारण उत्पन्न हुआ है और E2 इस ऋण आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। तो जाहिर बात है E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ज्यादा में से कम को हम माइनस करेंगे तो बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला परिणामी तीव्रता हमें मिल जाएगी। तो इसीलिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हम कर रहे हैं। तो आइए इनकी वैल्यू रखते हैं। E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू है 1 pi 4 pi epsilon naught k into q pi और r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1 by 4 pi epsilon naught into q by r plus l whole square, इतना हुआ। अब हम देख रहे हैं कि 1 by 4 pi epsilon naught और साथ में q, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं। तो जो कॉमन हो रहा है इसको हम बाहर कर ले रहे हैं। तो q by 4 pi epsilon naught k into 1 by r minus l whole square minus 1 by r plus l whole square। अब इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा कि q by 4 pi epsilon naught k into, अब इसको हम जो परिमेय व्यंजक का नियम है उस नियम के आधार से इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वर्ग के साथ, तो आ जाएगा r plus l whole square माइनस ये चीज इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे तक नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught k into, अब यहां पे हम देख रहे हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हम ओपन करेंगे यानी इसको हम खोलेंगे। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो हमारा बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल। इसी प्रकार से इसको भी अगर हम खोलें तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2 आर एल। अब हम देख रहे हैं पीछे लगा है माइनस, माइनस लगा है तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसके जो साइन होंगे उसके जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। तो चूंकि आर स्क्वायर आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस एल स्क्वायर आ रहा है तो ये माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2 आर एल आ रहा है ये बन जाएगा प्लस 2 आर एल। और होल अपॉन नीचे को अगर आप ध्यान से देखें तो आर माइनस एल होल स्क्वायर और आर प्लस एल होल स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर हम स्क्वायर को पूरी तरह से बाहर ले लें तो अंदर बचेगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल ये कितना होगा, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और चूंकि हमने होल स्क्वायर को एकदम से बाहर ले लिया है तो यहां पे हमने बाहर होल स्क्वायर लगा दिया। यहां तक हम पहुंचे। अब यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं आर स्क्वायर माइनस में है और यहाँ आर स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हम बचा कितना प्लस 2 आर एल प्लस 2 आर एल। दोनों सेम है, इनकी साइन भी इनका चिन्ह भी समान है, इसलिए इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, एड कर सकते हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमें रिजल्ट इस तरह से मिलेगा ई इज इक्वल टू q अपॉन 4 pi epsilon naught k इंटू 2 आर एल, और 2 आर एल मिलकर हो जाएगा 4 आर एल अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक तरह से फाइनल रिजल्ट मिल चुका है। अब यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught k into, ये जो आपको 4 आर एल दिखाई दे रहा है इसको हम ऐसे ले सकते हैं, आर को थोड़ा हम बाहर कर लेते हैं, इसको हम 2
इनटू 2QL ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 2 जा 4 भी हो रहा है, R L भी आ रहा है और साथ में Q भी आ रहा है। हम इस सिस्टम को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका एक यूज है अभी जस्ट आने वाला है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 2QL है इसको हम वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जो कि P से डिनोट किया जाता है। तो इसलिए यहां पर दिखाएंगे कि सिंस 2QL इज इक्वल टू P, ये P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण है इसलिए हम 2QL की जगह हम P को रख सकते हैं। तो फाइनली हमारा बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0k इनटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई डाइपोल, कोई वैद्युत द्विध्रुव जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है और ये दोनों आवेश 2L की दूरी पे रखे हुए हैं, तो ऐसे द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो बिंदु होंगे उन बिंदुओं पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो E इज इक्वल टू 1/4πε0k इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन का यूज कर सकते हैं, वो ये, अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है स्मॉल r, अगर ये बहुत ही ज्यादा काफी बड़ी हो, तो काफी बड़ी हो तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर r इज ग्रेटर देन l हो, यानी कि इस r की वैल्यू इस l की वैल्यू से कहीं ज्यादा हो, तो उस समय हम r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की वैल्यू को लगभग r स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि अगर r की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है तो r स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर से कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम L स्क्वायर की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो जब हम इसको नगण्य मान लेंगे तो उस समय हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम नियर अबाउट R स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं। तो जब ऐसा मान लेंगे तब हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से चेंज हो जाएगा कि 1/4πε0k इंटू 2PR अपॉन, अब चूंकि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो है चेंज हो जा रहा है R स्क्वायर के रूप में, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह हम R स्क्वायर को यूज कर रहे हैं, तो होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर भी आप लगा दीजिए, तो बन जाता है E इज इक्वल टू 1/4πε0k इंटू, अब ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर स्क्वायर, तो R स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R पावर 4 मिलेगा, और R पावर 4 मिल जाने से R R कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 2P/RQ। ये है हमारा एक कंडीशनल फॉर्मूला जिसमें कि R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है उस समय जो बिंदु P पे तीव्रता उत्पन्न होगी वो E is equal to 1/4πε0k into 2P/RQ के अकॉर्डिंग वो प्राप्त होगी। तो यही है हमारा आज का टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता का डिस्कस किया है हम लोगों ने और उस फॉर्मूले को प्राप्त किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात उत्तर समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि निरक्षी स्थिति के बारे में डिस्कशन रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ।